गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एमडी क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो 5 तारीख का पेपर हुआ है सीएचएसएल का, उसके बारे में कि इसमें किस किस टाइप से क्वेश्चन पूछे गए हैं, कौन कौन से क्वेश्चन में आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन आपसे आगे पेपर में पूछा जाते हैं, उन सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहले तो 5 तारीख का जो मार्च का पता आपको कि 4 तारीख का पेपर स्टार्टिंग है सीएचएसएल का, लेकिन आज से मैं स्टार्टिंग कर रहा हूँ इसका एनालिसिस करने का। तो 5 के जो आज का पेपर जो उसी से मैं स्टार्ट करता हूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, किस किस टाइप से क्वेश्चन आ रहे हैं और उनसे रिलेटेड कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं जो आपके आगे एग्जाम में आ सकते हैं, उन सबके बारे में हम लोग बात करेंगे। ऐसा आपको पता है कि सीजीएल के पेपर में काफी ज्यादा हुआ था कि जो सुबह के सेट में क्वेश्चन आ रहे थे उससे रिलेटेड क्वेश्चन आ रहे थे आपके शाम के सेट में, तो सीजीएल में भी इस टाइप से क्वेश्चन बन रहे हैं कि जो आपसे एक दिन पहले क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उसी टाइप से फिर अगला क्वेश्चन आपसे बन जा रहा है। तो बात करते हैं हम लोग क्वेश्चन के ऊपर कि कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। हम सभी टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे, चाहे वो जीएस का हो, रीजनिंग का हो, मैथ का हो। फिर इसके अलावा मैथ का एक अलग से वीडियो बनाऊंगा, अभी जितने मुझे क्वेश्चन मिले हैं उस सबके ऊपर हम लोग बात करते हैं। तो स्टार्टिंग करते हैं अपने क्वेश्चन के ऊपर। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे, सबसे पहले क्वेश्चन ये था कि डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल आपको पता है ये किस देश से लिया गया है। तो इसके अलावा आपको पहले से इसका आंसर बता दूं कि किस देश से लिया गया, तो ये लिया गया आयरलैंड से। इसके अलावा इसका पूरा मैंने एक वीडियो बना हुआ अनअकैडमी पे, आप मुझे वहां फॉलो करके, मैं उसका लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप मुझे वहां फॉलो करके मैंने बताया हुआ कि कौन सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशन की इम्पोर्टेंट, मेरा पूरा कोर्स बना हुआ है वहां से आप देख सकते हो। फिर अगला जो क्वेश्चन था, अगला क्वेश्चन ये था कि जो पाकिस्तान का नाम था वो किसने दिया था। तो आपको ये पता होना चाहिए कि पाकिस्तान का जो नाम था वो दिया था चौधरी रहमत अली ने, ये काफी फेमस है और ये आपको पता होना चाहिए इसका आंसर। सिर्फ कि अगर हम लोग एनालिसिस करेंगे सिर्फ वाइज के क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लेवल कैसा है क्वेश्चंस का, तो आपको ये बता दो कि मैथ और रीजनिंग का जो लेवल है वो काफी इजी आ रहा है, साथ ही साथ इंग्लिश का लेवल भी काफी कुछ हार्ड नहीं आ रहा है। और लेवल की बात करेंगे तो इंग्लिश में इडियम वर्ड वर्ड पढ़े हुए आ रहे हैं, सब कुछ पढ़ा आ रहा है, खाली आपको थोड़ा सा जीएस में आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं तो क्वेश्चन ये आया था कि टोडा ट्राइब ये कहां की जनजाति है, तो ये है तमिलनाडु की। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। क्वेश्चन अगला क्वेश्चन तो कंफर्म नहीं, क्वेश्चन एक्चुअली में था क्या, क्वेश्चन ये था कि नेचुरल फाइबर और आर्टिफिशियल फाइबर में डिफरेंस क्या है। शायद उन्होंने नाम लगे कुछ कहा हुआ था, ऐसा कुछ कहा था, लेकिन अगर हम बात करते हैं क्या क्या है नेचुरल फाइबर में, तो नेचुरल फाइबर की अगर बात करते हैं और आर्टिफिशियल फाइबर की बात करते हैं, तो कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो नेचुरल फाइबर में आएंगी, कौन सी ऐसी चीजें हैं जो आर्टिफिशियल फाइबर में आएगी। तो नेचुरल में जो आएंगे वो आएंगे वूल, सिल्क, कॉटन, जूट, ये सब होती है नेचुरल में। अगर हम बात करते हैं आर्टिफिशियल में, तो इसमें आता है रेयन, नायलॉन, ये सब आते हैं आर्टिफिशियल में। ठीक, तो ये इसका एक्यूरेट क्वेश्चन तो हमें नहीं पता कि एक्यूरेट क्वेश्चन क्या था, सारे इन्होंने तो डिफरेंस पूछा हुआ था या फिर इनमें से कोई ऑप्शन दिया होगा उसका डिफरेंस पूछा हुआ कि ये नेचुरल में है या आर्टिफिशियल में, तो ऐसा उस क्वेश्चन आया था। अगला क्वेश्चन दिया था कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार ये किसे दिया गया था, 2017 की बात करते हैं। तो अगर आपको पता है 2017 के क्वेश्चन पूछा जाएगा, 2017 की बात करते हैं, 16 में आपको पता होगा वो पूछ लिया था सीजीएल में, 2017 में बात करते हैं तो दो लोगों को मिला था, एक थे सरदाना सिंह जो कि हॉकी से थे, सरदाना सिंह ये थे हॉकी से, और सेकंड कौन थे, झाझरिया, इनका पूरा नाम है देवेंद्र झाझरिया, ये थे पैरा ओलंपिक पैरा एथलीट थे ये। तो ये कुछ और भी क्वेश्चन थे, इसके अलावा और भी क्वेश्चन हम बात करते हैं, फिर से देख लेते हैं डीपीएसपी जो था ये आया था क्वेश्चन, ये कहां से लिया गया, किस देश, तो आयरलैंड से लिया गया था, पाकिस्तान से पूछा गया था नाम किसने रखा, चौधरी रहमत अली ने। तो इस टाइप से क्वेश्चन आप देख सकते हो, इसको और भी सारे आप देख सकते हो क्वेश्चन कि कहां कहां का नाम किसने रखा, साथ ही साथ आप ट्रैक जरूर देखना कि इस पे क्वेश्चन आ रहे हैं, 400 भी क्वेश्चन आए थे एक टाइप पे, 500 भी क्वेश्चन आए थे, ये डिफरेंस का एक्चुअली क्वेश्चन ही बताओ, एक एफ से अवार्ड से क्वेश्चन आया हुआ था। तो ये कुछ जीएस क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जीएस क्वेश्चन रिपीट होंगे नहीं, लेकिन उसी से रिलेटेड कई सारे क्वेश्चन आपसे आ सकते हैं। ये क्वेश्चन रिपीटेशन में है, कोई भी नहीं हो सकता, क्योंकि मैथ में भी लेवल काफी इजी आ रहा है, लेवल हार्ड नहीं आ रहा कुछ भी। फिर क्वेश्चन ये आया था कि बेकिंग सोडा से आपसे फार्मूला पूछा था, बेकिंग सोडा का फार्मूला,
तो आपको पता होना चाहिए कि बेकिंग सोडा का जो फॉर्मूला होता है वो होता है NaSCO3। इसी से रिलेटेड होता है आपका बेकिंग सोडा, खाने वाला सोडा इसको हम बोलते हैं, और एक रिलेटेड होता है इससे वाशिंग सोडा। इसका फॉर्मूला आप देख लो, ये भी एग्जाम से आपके आ सकता है। तो इस तरह हम लोग आगे की बात करेंगे कि आगे कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। मैंने आपको यहाँ बताया कि बेकिंग सोडा का फॉर्मूला NaSCO3, वाशिंग सोडा का फॉर्मूला Na2CO3। क्या हम एक्चुअली खाली बेकिंग सोडा आया था, वाशिंग सोडा आपको फॉर्मूला देख लो, वो अगले एग्जाम में आपके आ सकता है। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, काफी फेमस क्वेश्चन था। आपसे पूछा था कि लॉ ऑफ इनर्सिया ये कौन सा लॉ है। शायद क्वेश्चन ये था कि ये न्यूटन का लॉ है या फिर फर्स्ट सेकंड थर्ड, इन तीनों में से कौन सा लॉ है, या ऐसा कुछ क्वेश्चन आपसे पूछा हुआ था। तो आपको बता दूं, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ है, न्यूटन फर्स्ट लॉ, लॉ ऑफ इनर्सिया। सेकंड की अगर हम बात करते हैं तो उसका जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है फिजिकल टाइम में। अगर हम बात करते हैं थर्ड की, तो थर्ड आपको पता है काफी फेमस है, एक्शन रिएक्शन, ये न्यूटन के तीनों लॉ है। फर्स्ट की बात करते हैं लॉ ऑफ इनर्सिया, ये है कि जब तक कोई भी चीज तब तक रेस्ट में रहेगी जब तक उसमें कोई एक्सटर्नल फोर्स ना लगा। सेकंड की बात करते हैं तो सेकंड आता है फिजिकल टाइम में। थर्ड की बात करते हैं थर्ड आता है एक्शन रिएक्शन ना। फिर मैथ के क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। एक क्वेश्चन ये आता है कि 1 किलोमीटर पर आवर को आप मीटर पर सेकंड में कितना लिखोगे। तो आपको पता है 1 किलोमीटर को हमको मीटर पर सेकंड बदलना पड़ता है, तो 5/18 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 के मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं आएगा, आप यहाँ से डिवाइड करके ये भी लिख सकते हो। एक क्वेश्चन ये आया था कि प्रबल दस्तक, ये जॉइंट मिलिट्री फोर्सेस से क्वेश्चन था कि प्रबल दस्तक है वो किन दोस्तों, किन दो देशों के बीच है। शायद नाम दिया था देश का और पूछा था कौन सा इसमें आंसर सही है, या फिर उन्होंने नाम ही पूरा दे दिया था कि जो मिलिट्री का फोर्स था जो इंडिया के साथ इंडिया बहस चल रहा है उसमें क्या है। तो इंडिया और कजाकिस्तान के बीच में है। इसके अलावा इसमें मैंने बहुत सारे पूरे आपके जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हुए हैं, जितने भी ज्वाइंट मिलिट्री फोर्सेस हुए हैं, उन सबका मैंने पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है निकलने का, वहां भी देख सकते हो, उसे पूरा मैंने दिया हुआ है कि बाकी किस किस का यहाँ टाइम है उतना, इसलिए मैं पूरे डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूँ। एक क्वेश्चन ये आया था आपसे पूछा था क्वेश्चन में, मोटर व्हीकल एक्ट ये कब आया था। तो अगर हम इसकी सन की बात करते हैं तो ये आया था 1988 में, मोटर व्हीकल एक्ट। इसके अलावा एक टाइप वीडियो बना दूंगा, जैसे मुझे लगा कि क्वेश्चन इस पर ज्यादा आ रहे हैं तो एक्ट का मैं वीडियो बना के आपको जरूर दे दूंगा, उसमें आपको कई सारे एक्ट मिल जाएंगे और आप उन्हें देख सकते हो। तो फिर से उसको देख सकते हैं हटाने से पहले। बेकिंग सोडा की बात करें, बेकिंग सोडा का फॉर्मूला होता है NaSCO3, वाशिंग सोडा की अगर बात करते हैं तो वाशिंग सोडा फॉर्मूला होगा Na2CO3। लॉ ऑफ इनर्सिया आपने क्वेश्चन सर ये पूछा था, लेकिन सेकंड और थर्ड लॉ की हम बात कर लेते हैं। सेकंड लॉ होती है फिजिकल टाइम में, थर्ड लॉ होता है एक्शन रिएक्शन, आपको पता है काफी फेमस लॉ है। किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में बदलते हैं 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं, सीसी और प्रबल दस्तक आपको पता है इंडिया कजाकिस्तान के बीच में है, इसका पूरा वीडियो बनाने का भी डाला हुआ है। मोटर व्हीकल एक्ट की बात करते हैं 1988 में आया था। इसके अलावा आपसे कई सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, लाइक पंचायती राज पूछ चुका है, म्यूनिसिपालिटी पूछ चुका है। तो पंचायती राज के अगर हम बात करते हैं 243 में है, यानी 243 में। और एक क्वेश्चन ये आया था कि अगर बर्थ रेट इंक्रीज होता है क्वेश्चन तो क्या होगा। आंसर इसका एक्यूरेट नहीं पता कि आपसे ऑप्शन में क्या भी दिए थे, लेकिन अगर बर्थ रेट इंक्रीज होगा तो आपको पता है पॉपुलेशन बढ़ जाएगी। फिर आपसे ये कहा था एक क्वेश्चन कि इंदिरा पॉइंट जो है इसका पहले क्या नाम था। तो इंदिरा गांधी के ऊपर ही इसका नाम पड़ गया था इंदिरा पॉइंट, और सबसे साउदर्न में आपको पता है सबसे नीचे इंदिरा पॉइंट है, अंडमान निकोबार में है इंदिरा पॉइंट। तो इंदिरा गांधी के नाम पे यहाँ इसका नाम पड़ गया था इंदिरा पॉइंट, लेकिन इससे पहले जो इसका नाम था वो था पिग्मेलियन पॉइंट या फिर पार्सन पॉइंट। इससे पहले जो पॉइंट था वो था पिग्मेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट, लेकिन इंदिरा गांधी जी के नाम पे इसका नाम पड़ गया था इंदिरा पॉइंट। फिर अगला क्वेश्चन ये आया था लॉन्गेस्ट ब्रिज, ये क्वेश्चन आपसे पूछा भी जा चुका है और ये इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन है, आपको इसको जरूर याद करना चाहिए और आपको पता भी होना चाहिए इसका आंसर क्या होगा एक्चुअली में। तो लॉन्गेस्ट ब्रिज आपको पता है कि आसाम में था, 26 मई को बनाया हुआ था। ये क्वेश्चन नहीं पूछा था आपसे, क्वेश्चन पूछा था किस नदी के ऊपर है। तो अगर हम बात करते नदी के ऊपर तो ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर है, और 26 मई को हुआ था, चाइना से मिलता है वहां पे, और ये आसाम में, आसाम में बना हुआ है ब्रह्मपुत्र नदी के ऊपर सबसे लॉन्गेस्ट ब्रिज है ये। पंचायती राज आर्टिकल देखिए आपसे मैंने कहा था, या भी गया तो पंचायती राज की अगर बात करते हैं जो 243 में है, 243 से लेके ओ में तक में,
ये पंचायती राज में आया है। इसके अलावा आप इसमें म्यूनिसिपल भी ऐड कर सकते हैं, वो भी आ रहा है। कुछ बात करते हैं और भी क्वेश्चंस की, तो एक क्वेश्चन ये आया था कि स्वामी विवेकानंद का रियल नेम क्या था। तो रियल नेम के ऊपर एक वीडियो मैं बनाने वाला हूँ हाल ही में, क्योंकि सबके आपसे रियल नेम दो बार पूछ जा चुका है, तो रियल नेम का क्वेश्चन आ सकता है। तो अगर विवेकानंद के रियल नेम की बात करते हैं, तो इनका जो रियल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। ये फेमस भी आपने स्कूल में अपने एकेडमिक क्लास में पढ़ा होगा। तो विवेकानंद का जो रियल नेम था वो था नरेंद्र नाथ दत्त। कुछ रीजनिंग क्वेश्चंस को भी हम लोग ले सकते हैं, अगर टाइम देखते हैं तो रीजनिंग क्वेश्चंस को जरूर ले सकते हैं। रीजनिंग क्वेश्चंस किस टाइप से आ रहे हैं, क्वेश्चन का लेवल आप देखोगे तो काफी इजी आ रहा है लेवल। जैसा कि एक क्वेश्चन हम देखते हैं रीजनिंग का ही है, क्वेश्चन था 863 638, यहाँ था 578 आपसे यहाँ पूछा हुआ था। तो आप देखो ये अपोजिट कर दिया, यहाँ से 863 यहाँ लिखा हुआ, यहाँ 863 अपोजिट कर दिया। जो पहले लिखा उसको लास्ट में कर रहा था, यहाँ पे जो पहले लिखा उसको हम लास्ट में कर देंगे, यानी 5 सबसे लास्ट में गया। जो बीच में लिखा उसको पहले कर दे रहा, तो बीच में लिखा उसको हम पहले कर देंगे, यानी हो गया 7। और जो 3 है बीच किनारे लिखा उसको हम बीच में कर दे रहे हैं, तो जो किनारे लिखा उसको हम बीच में कर देंगे, तो ये बन देगा 85। यहाँ से आप देख सकते हो इजी क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ये आया हुआ था 23 था, 28 था, 34 था, 41 था, 49 था, आपसे ये अगला पूछा हुआ था। क्वेश्चन इजी, यहाँ देखो आप प्लस 5 हो रहा है, यहाँ देखो प्लस 6 हो रहा है, यहाँ देखोगे तो प्लस 7 हो रहा है, यहाँ देखेंगे प्लस 8 होगा, यहाँ देखेंगे प्लस 9 होगा, तो ये जगह 58 49 को ऐड करेंगे। अगला क्वेश्चन एक दो क्वेश्चन में मैथ के देख लेते हैं। मैथ के क्वेश्चन में बात करके एक आपसे स्क्वायर दिया हुआ था, इनके साथ खत्म हो गया इंग्लिश में पढ़ते ही आपसे। इसका डायगोनल दिया था आपसे 10, आपसे पूछा था एरिया का, तो सीधे इसे दो मैटर लगा देते। सबसे पहला जो इजी है जो मैं लगाता हूँ वो है हाफ डिवन डी टू, और दूसरा ये अगर हाफ डिवन डी टू से हम लगाते तो हाफ 10 × 10 यहाँ से आएगा 50 मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर जो भी दिया हुआ। एक आप भी मान सकते हो किसी स्क्वायर, तो ये सारा साइडिंग ए होगा, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगा सकते हो, ये स्क्वायर ए स्क्वायर यहाँ से बन जाता है 2a² = 10, तो ए सॉरी 100 बी स्क्वायर स्क्वायर होगा, a² = 50। अगर ए की बात करते हैं तो रूट मिल जाता 50, और उनको क्योंकि एरिया कहा हुआ तो एरिया मतलब स्क्वायर, यहाँ आंसर आता 50। लेकिन अगर आपको डायगोनल पता और ऐसे कभी कभी क्रिया बनता है, किसी भी चतुर्भुज में क्रिया बनता है, तो हम सीधे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर एक क्वेश्चन आपसे थोड़ा सा इजी और भी क्वेश्चन है, आप तो लेवल देखिए और लेवल किस टाइप से आ रहा है, इसमें आप ज्यादा ज्यादा मार्क्स कर सकते हो, क्वेश्चन आपके नंबर अच्छे आने चाहिए। 150 प्लस स्कोर मान के चलो, आप अगर सीएचएसएल का पेपर देखते हो तो 150 प्लस स्कोर आपको चाहिए चाहिए एग्जाम क्वालिफाई करने के लिए। एक क्वेश्चन ये था कि रेडियस दिया हुआ था 28 सेंटीमीटर, हेमिस्फीयर दिया हुआ था, और आपसे कहा था इसका आप एरिया बताओ कर्व सरफेस एरिया। तो अगर हेमिस्फीयर होता तो उसका कर्व सरफेस एरिया होता 3πr², यहाँ पे आप आराम से रख सकते हो 3 × 22/7 आर स्क्वायर, यहाँ 28 × 28 रख सकते हैं, और रूट मैंने से 22/7 से रखा, ऑप्शन के हिसाब से दे सकते हो, वहाँ 5 हुआ तो 5 दे सकते हो। तो ये कुछ क्वेश्चन थे मैथ के, कुछ क्वेश्चन हमने डिस्कस किए, कुछ क्वेश्चन जीएस के डिस्कस किए, 5 साइकिल जो भी क्वेश्चन आए हैं। इसके अलावा ये वीडियो लेसन अभी चैनल जल्दी बनाया गया है, अभी आपको पता है कि हाल ही में 1 मार्च को चैनल बनाया गया है और काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो इस तरह अगर आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो आप जरूर सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ वीडियो को लाइक किया करो। अगर आपसे कोई भी कमी लगती है तो आप जरूर बताया करो कमेंट बॉक्स में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।